ये वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। एटा जिले के जलेसर पर तैनात दरोगा चंद्रशेखर गौतम वकील इकलायक सिंह यादव का कहीं दरोगा जी बैट निकालते हैं तो कहीं वकील साहब डंडों के मारने की धमकी। लेकिन यहाँ ये दोनों सरकारी आदमी भूल रहे हैं कि देश में संकट की स्थिति बनी हुई है। पूरा देश कोरोना से युद्ध कर रहा है और यहाँ है कि दरोगा जी भी गुंडई पर उतारू हैं, ना ही खुद मास्क लगाए हैं और ना ही दूसरों को लगाने की हिदायत देते हैं। इसी के साथ साथ दरोगा जी पर वकील साहब ने पैसे लेकर आगरा चौराहे पर शराब बेचने का आरोप भी लगाया है। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अवैध शराब की कोई शिकायत आई तो इसकी सीधे जिम्मेदारी COSDM की होगी। ये काली करतूत की पोल आज जलेसर में उस वक्त खुली जब सोशल मीडिया पर दरोगा और वकील का वीडियो वायरल हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि दरोगा जी पर एटा के ईमानदार SSP सुनील कुमार सिंह कार्रवाई करते हैं या नहीं। कहाँ आता है यहाँ जाएंगे घर पे किसके हमारे पे मैं आपको हराऊंगा। आप कितने आए कितने किससे हम सुनते ही रहे सुनते तो मैं क्या करूँगा बंगा मतलब हमसे हम गलत बात कर रहे हैं आपसे ड्यूटी करो अपनी प्यार से आप भी वही गुंडागर्दी करे चले आए तुमने पहले गुंडा होंगे तुम गुंडागर्दी की तुमने हमेशा से बालकन पालो आप गलत बात कर रहे हो गाली दे रहे हो यार। एटा से KKD न्यूज ब्यूरो राघवेंद्र गरिया की रिपोर्ट।